नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। कुछ आवश्यक कार्य आ जाने के कारण से आपका जो साइंस का क्लास है वो नहीं हो पा रहा था, अब ये बिल्कुल कंटिन्यू चलेगी, तो आप सभी जो है फिर से जुड़ जाइएगा। तो आज हम यूनिट 8 के अंतर्गत ऊष्मा एवं ताप को जो है पढ़ेंगे। यूनिट 8 में आपका ऊष्मा और ताप, यानी ऊष्मा वाला जो पॉइंट है वो आपका बच गया था, तो आज हम ऊष्मा और ताप से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सभी जुड़ जाइए दोस्तों, सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग। रात्रि 9 बजे क्लासेस चलती है, तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। आज ये हमारा 11वां क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। चलिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे ताप के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। ताप जो है क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या इसकी अवधारणा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ऊष्मा और ताप। इससे आपका एक क्वेश्चन हमेशा जो है देखने को मिलेगा, चाहे आपका वो न्यूमेरिकल पोर्शन पूछे या फिर कोई भी क्वेश्चन जो है पूछे, आपको एक प्रश्न इसमें से देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं ताप के बारे में कि ताप जो है क्या होती है, ताप के बेसिक कॉन्सेप्ट अवधारणा के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ताप वह भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ अथवा वस्तु, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव वस्तु हो, ठीक है, उसमें जो निहित ऊष्मा रहती है, उस ऊष्मा की मात्रा, ठीक है, उस ऊष्मा की मात्रा, डिग्री, स्तर या तीव्रता, इंटेंसिटी को व्यक्त करती है। ताप की जो माप है वो विभिन्न प्रकार के तुलनात्मक पैमानों अथवा तापमापी यंत्रों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसका जो मात्रक है हम केल्विन के रूप में लेते हैं, लेकिन और भी इसके बहुत सारे मात्रक होते हैं जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो ताप होती है किसी भी वस्तु की हॉटनेस, यानी उसकी तप्तता या उष्णता, अथवा उसकी शीतलता यानी कोल्डनेस के आपेक्षिक मान के द्वारा जो है पता चलता है। यानी हम अगर सिंपल भाषा में ताप की परिभाषा देना चाहें तो ताप का अर्थ किसी भी वस्तु का गर्म होना या ठंडा होना है। अगर कोई वस्तु केवल गर्म हो रही है या केवल ठंडा हो रही है तो हम उसको ताप नहीं बोलेंगे, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। उनके जो टेम्परेचर है, उनके जो मापन है, यानी गर्म और ठंडा का जो एहसास होता है उसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। मतलब सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं कि ताप का अर्थ क्या होता है, किसी भी वस्तु का गर्म होना या ठंडा होना है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु के गर्म या ठंडा होने की जो माप होती है, ठीक है, या जो अपेक्षिक मान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ताप, ठीक है। अब आगे हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु है जब वो हीट को लेती है या हीट को उत्सर्जित करती है तब उसमें क्या क्या चीजें होती है। देखिए, कोई भी वस्तु है, जैसे मैं यहाँ पे एक वस्तु इस तरीके से बना दिया, इसमें ऊष्मा क्या हो रही है, इसमें हीट क्या हो रही है, इसमें जो हीट है, इसमें जो ऊष्मा है, ठीक है, इसमें जो ऊष्मा है इस वस्तु में, यह वस्तु क्या कर रहा है, ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वस्तु जो है ऊष्मा को ग्रहण करेगी तो उस कंडीशन में वह वस्तु क्या होने लगेगी, गर्म होने लगेगी, है ना भाई, वह वस्तु क्या होने लगेगी, गर्म होने लगेगी, ठीक है। लेकिन जब किसी वस्तु से ऊष्मा जो है बाहर निकलती है, यानी उत्सर्जन होता है, ठीक है, ऊष्मा जब बाहर निकलती है, हीट जब उस वस्तु से बाहर निकलती है यानी उसका उत्सर्जन करने लगता है, तब हम कह सकते हैं कि जो वस्तु है वो कैसी होने लगती है, ठंडी होने लगती है। तो इसी का जो डिफरेंस रहता है इसी को हम बोलते हैं ताप, ठीक है। अब आइए समझते हैं ऊष्मा क्या होता है, ठीक है, ऊष्मा की अवधारणा को जो है हम समझते हैं। तो देखिए, ऊष्मा एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है या ऊर्जा है जिसका स्थानांतरण दो या दो से अधिक निकायों अथवा उनके परिवेश के मध्य तापांतर यानी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर के कारण से क्या होता है, होता है। मतलब अगर ताप के बीच में कोई ना कोई अंतर आ गई तो तब हम उसको क्या कहेंगे, ऊष्मा कहेंगे। टेम्परेचर में क्या होगा, कोई भी वस्तु गर्म होगी या ठंडी होगी तब हम उसको कहेंगे टेम्परेचर, ताप। लेकिन जब उसके ताप के बीच में कोई अंतर रहेगी, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जब रहेगी तब हम उसको क्या कहेंगे, उस वस्तु का ऊष्मा कहेंगे, ठीक है, उस वस्तु का क्या कहेंगे, हीट कहेंगे, ऊष्मा कहेंगे।
इसका जो एसआई मात्रक होता है इसको हम जूल से व्यक्त करते हैं। दो वस्तुओं अथवा उनके परिवेश के मध्य ऊष्मा का संचार तभी होता है जब वस्तुओं अथवा उनके परिवेश के माध्यम का ताप एक समान ना हो जाए। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो वस्तुएं इस तरीके से रखी हुई है, ये वस्तु क्या है गर्म है और ये वस्तु क्या है ठंडी है। ठीक है, ये वस्तु क्या है गर्म है और ये जो दूसरी वस्तु है वो कैसी है ठंडी है। तो ये वस्तु गर्म है ये वस्तु ठंडी है, अभी इसमें क्या है कुछ न कुछ टेम्परेचर है तो इसको हम ताप बोल देंगे, है ना। जब हम इसको मिला देते हैं इस तरीके से तो इनके मध्य क्या होने लगेगा ताप में अंतर होने लगेगा। ठीक है, इनके मध्य क्या होने लगेगा ताप में अंतर, और ये अंतर कैसे होता है गर्म से ठंडी की ओर होता है, मतलब उच्च ताप से, ठीक है, उच्च ताप से कहाँ जाता है ये निम्न ताप की ओर जाता है, और जाने के बाद अंत में क्या हो जाती है दोनों जो ताप रहेंगे गर्म और ठंडा दोनों क्या हो जाएंगे इक्विलिब्रियम हो जाएंगे यानी समान हो जाएंगे। ठीक है, उनके बीच में जो भी मीडियम रहेगा जो भी माध्यम रहेगा और अंत में जो तापमान रहेगी वो कैसी हो जाएगी समान हो जाएगी एक समान हो जाएगी, मतलब ताप का अंतर क्या हो जाता है एक समान हो जाता है। मतलब ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक दो भिन्न भिन्न वस्तुओं का ताप जो है समान ना हो जाए। ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक दो भिन्न भिन्न वस्तुओं का ताप जो है एक समान ना हो जाए। तो यहाँ पे हमको दो चीजें समझने को मिली है ऊष्मा में। सबसे पहला तो ऊष्मा जो है उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है यानी हाई से लो की ओर चलती है। ठीक है, पहला हमको क्या समझने को मिला है कि जो ऊष्मा होती है वो हाई से कहाँ जाती है लो की तरफ जाती है, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ जाती है। और दूसरा क्या होती है ऊष्मा का जो प्रवाह है वो तब तक होता है जब तक कि दो भिन्न भिन्न वस्तुओं का जो ताप है वो एक समान ना हो जाए। जब तक इक्विलिब्रियम दोनों साइड से ना हो जाए तब तक जो है ऊष्मा का प्रवाह होते रहता है, है ना। आप ही लोग देखे होंगे चाय अगर हम बनाते हैं, है ना, इस तरीके से अगर हम चाय बना रहे हैं तो उसको गर्म करते हैं। ठीक है, चाय हमारी गर्म होती है, अब गर्म होकर के इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर में रख देते हैं, इस तरीके से छोड़ देते हैं। तो अभी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उबल करके आया है। जब हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर में रूम के जो टेम्परेचर रहती है कमरे के जो तापमान रहती है उसमें अगर हम छोड़ देते हैं तो ये क्या होता है उच्च ताप रहता है। ये अब नॉर्मल टेम्परेचर यानी जो भी रूम का टेम्परेचर रहेगा जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो नॉर्मल टेम्परेचर की ओर क्या करेगी ये बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी, जब तक कि दोनों का जो तापमान है वो एक समान नहीं हो जाता। ठीक है, मतलब जब तक ऊष्मा का प्रवाह एक समान नहीं हो जाता तब तक जो है हाई से लो की ओर ये बढ़ती रहेगी। तो यही है हमारा क्या ऊष्मा, यही है हमारा हीट। ठीक है, सबको समझ में आ गई। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स जो है आपको मेन जो है समझनी है। तो ये हो गया हमारा ऊष्मा और ताप का जो महत्वपूर्ण अवधारणा है वो। अब चलिए आगे कुछ जानते हैं इसी में। ऊष्मा का जो प्रवाह है उसके आधार पर वस्तु को हम किस तरीके से बांट सकते हैं। ऊष्मा के प्रवाह के आधार पर, ठीक है, ऊष्मा के प्रवाह के आधार पर हम दो तरीके से वस्तुओं को बांट सकते हैं। एक तो पहला आता है हमारा चालक और दूसरा आता है अचालक या कुचालक जिसको बोल देते हैं आप लोग, कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, अगर हम इसी को विद्युत के प्रवाह के अकॉर्डिंग बांटें तो एक और चीजें आ जाती है हमारा कौन सा सेमीकंडक्टर, है ना, अर्धचालक जिसको अपन बोल देते हैं। तो वो विद्युत के प्रवाह के अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे। अभी ऊष्मा के प्रवाह के अंतर्गत हम वस्तुओं को दो तरीके से बांट सकते हैं, पहला चालक और दूसरा अचालक या कुचालक। ठीक है, तो कंडक्टर या चालक हम किसको बोलेंगे और अचालक इंसुलेटर हम किसको बोलेंगे, आइए समझते हैं। तो देखिए, चालक हम किसको बोलेंगे जिसमें ऊष्मा का प्रवाह जो है आसानी से हो जाए, है ना भाई, जिसमें ऊष्मा का प्रवाह जो है सुगमता से हो जाए, ऊष्मा का प्रवाह जो है सुगमता से हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे चालक। तो जैसे धातु, है ना, कोई भी धातु को हम जब हम गर्म करते हैं एक सिरे से तो यहाँ तक भी हमको गर्म महसूस होता है, धीरे धीरे क्या होती है जो तापमान है वो आगे बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे भी हमको गर्म जो है एहसास होता है। मतलब इसमें जो ऊष्मा का प्रवाह है वो क्या हो जाता है, सही तरीके से होता है, अच्छी तरीके से होता है, सुगमता से होता है, है ना भाई। लेकिन जो अचालक रहती है, जो इंसुलेटर रहती है, ये क्या करती है, हीट का जो प्रवाह है वो नहीं करती, है ना, ऊष्मा का जो प्रवाह है वो नहीं करती। ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह है वो
नहीं करती, ठीक है, नहीं करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अचालक या इंसुलेटर कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझे तो कपास है ना भाई, रबर, प्लास्टिक, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये सारे के सारे जो है इंसुलेटर हैं, ये सारे के सारे जो है अचालक पदार्थों में आते हैं। तो इस तरीके से हम ऊष्मा के प्रवाह के अकॉर्डिंग दो तरीके से बांट सकते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, सबको समझ में आ गई, चलिएगा आगे समझते हैं। इसके बाद हम जानते हैं ताप को मापने के कौन कौन से स्केल्स होते हैं, कौन कौन से यूनिट्स होते हैं जिसके आधार पर हम किसी भी वस्तु में जो ताप है, टेम्परेचर है, उसको हम माप सकते हैं। तो ताप के पैमाने, महत्वपूर्ण चार पैमाने होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सेल्सियस, दूसरा आता है फ़ारेनहाइट, तीसरा आता है केल्विन और चौथा आता है रियूमर। ठीक है, चौथा आता है रियूमर। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, चारों को आप लोग एक तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको आप लोग याद सक इस तरीके से पहले तो लिख लीजिए CFR और K, इस तरीके से आप लोग पहले लिख लीजिएगा। देखो इस तरीके से आपको याद रखना है, एक छोटा सा मैं ट्रिक बता देता हूँ, है आप लोग अपने सोना बाबू, है ना, सोना बाबू रहता है, सोना बाबू क्या बोलते हैं, मेरे फ़ोन में रिचार्ज करा दो, है ना भाई। तो यहाँ से आप लोग इसको याद रख सकते हो, सेल फोन रिचार्ज करा दो, सेल फोन रिचार्ज करा दो, ये हो जाएगा सेल्सियस, ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट, ये हो जाएगा रियूमर और ये हो जाएगा केल्विन। तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हो कि तापमान के जो स्केल्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, CFR और K, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रियूमर और केल्विन, तो ये चार महत्वपूर्ण जो है टेम्परेचर स्केल्स होते हैं। आगे हम जानेंगे कि किस तरीके से ये जो है होता है, ठीक है, कौन कौन से इसमें पैमाने होते हैं और किस तरीके से इसको व्यक्त जो है किया जाता है। चलिए आगे समझते हैं एक एक करके सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रियूमर के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं सेल्सियस, या जिसको अपन सेंटीग्रेड पैमाना भी जो है कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाने में, इसे स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने सन 1742 ईस्वी में विकसित किया था। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाने को किसने विकसित किया था, स्वीडन के वैज्ञानिक थे एंडर्स सेल्सियस, जिन्होंने अपने नाम पे सेल्सियस पैमाना या सेंटीग्रेड पैमाना जो है रखा था। इसमें क्या होता है, एक वायुमंडलीय दाब यानी 0.76 मीटर पारे का स्तंभ पर हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको अपन 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, जिसको अपन 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, में जो है ये विभक्त रहता है। इसके प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस जो है कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो इसका हिमांक रहेगा, है ना, जो भी इसका हिमांक रहेगा यानी फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, वो कितना रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा यहाँ पे, और यहाँ से वो 1-1 डिग्री सेंटीग्रेड में इस तरीके से जो है बटा हुआ रहता है। ठीक है, मतलब और यहाँ पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है यानी क्वथनांक जो रहता है, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो कितना रहता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मतलब जो बीच के जो भी पार्ट्स रहेंगे वो 1-1 डिग्री सेंटीग्रेड रहेंगे, और कितने भागों में बटे रहेंगे, टोटल 100 भागों में ये क्या होते हैं, बटे रहते हैं। मतलब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 100 भागों में टोटल क्या होता है, ये बटा रहता है, और एक एक भाग जो है 1-1 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। क्लियर है सभी को, चलिए आगे समझते हैं। इसके बाद दूसरा आता है हमारा फ़ारेनहाइट, ठीक है, दूसरा आता है हमारा फ़ारेनहाइट, जिसको अपन इस तरीके से जो है व्यक्त करते हैं। चलिएगा, इसे जो है जर्मनी के वैज्ञानिक डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने जो है सन 1710 ईस्वी में विकसित किया था। इस तापमापी में जो हिमांक रहता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट रहती है, वो कितनी रहती है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है रहती है। ठीक है, जो हिमांक रहेगा, जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, वो कितना रहेगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है रहेगा, और जो इसका क्वथनांक रहता है, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है, वो कितना रहता है, ये रहता है आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तथा जो क्वथनांक है वो कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इनके मध्य दूरी को
180 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाता है। मतलब ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट हो करके कितने तक जाता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है और इनके मध्य जो है कितने भागों में ये डिवाइड रहता है, 180 भागों में डिवाइड रहता है और प्रत्येक भाग को जो है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है अपन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक भाग को हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। टोटल जो है ये 180 भागों में जो है डिवाइड रहता है। तो ये हो गया हमारा फ़ारेनहाइट स्केल। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट, हमारा तीसरा आता है हमारा केल्विन पैमाना, जिसको अपन के से जो है डिनोट कहते हैं। केल्विन पैमाने में क्या होता है, इस पैमाने को लॉर्ड केल्विन ने 1852 ईस्वी में विकसित जो है किया था और इसका जो हिमांक अथवा अधोबिंदु है ना, जो हिमांक रहता है इसका वो कितना रहता है, 273 केल्विन, और जो इसका क्वथनांक रहता है यानी बॉइलिंग टेम्परेचर रहता है या जिसको अपन ऊर्ध्व बिंदु कहते हैं, ये कितना होता है, 373 केल्विन होता है। इन दोनों मध्य बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक भाग जो है 1 केल्विन कहलाता है। ठीक है, 1 केल्विन पैमाने पर मापे गए तापमान को जो है परम ताप कहते हैं, इसलिए यह पैमाना परम ताप पैमाना भी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी टेम्परेचर रहेगी वो कितना रहेगी, 273 केल्विन से ये स्टार्ट होती है और 100 भागों में इसको हम बांटते हैं और यहाँ पे कितना होता है, इसका जो क्वथनांक पॉइंट है वो 373 होता है और जो 0 केल्विन रहेगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं परम ताप, इसको हम क्या कहते हैं, परम ताप जो है कहते हैं। ठीक है, 1 केल्विन पर जो मापे गए तापमान है उसको हम परम ताप कहते हैं। मतलब 1 केल्विन से कम रहेगा है ना परम ताप का, 1 केल्विन से जैसे ही कम होता है वो किसमें आ जाता है, परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर में जो है आ जाता है, आगे हम समझेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट, तो इसको भी समझ लीजिएगा है ना, 273 से ये स्टार्ट होता है और कितने तक जाता है, 373 तक जाता है और ये कितने भागों में बटा होता है, ये भी हमारा 100 भागों में जो है बटा होता है। आइए समझते हैं हमारा नेक्स्ट जो है परम ताप, परम शून्य ताप। किसी वस्तु का न्यूनतम संपूर्ण ताप परम शून्य ताप कहलाएगा। ठीक है, कितने में ये कहलाता है, 0 केल्विन में। 0 केल्विन हमारा क्या कहलाता है, परम शून्य ताप कहलाता है, परम शून्य ताप जो है कहलाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम किसको बोलते हैं, 0 केल्विन को बोलते हैं और इसका मान होता है हमारा 273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में। ठीक है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में या 273.15 इतना जो है इसका मान होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं परम शून्य ताप, इसको हम क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप जो है कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे समझते हैं। इसके बाद र्यूमर पैमाना नेक्स्ट हमारा आता है, चौथा र्यूमर पैमाना, इसको अपन R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। ठीक है, डिग्री र्यूमर करके। इस पैमाने को फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी र्यूमर ने 1730 ईस्वी में विकसित किया था। इस तापमापी में हिमांक जो है 0 डिग्री र्यूमर और क्वथनांक जो है 80 डिग्री र्यूमर होता है, यानी इन दोनों बिंदुओं के मध्य जो दूरी होती है उसको हम 80 बराबर भागों में बांटते हैं और प्रत्येक भाग को हम 1 डिग्री र्यूमर जो है कहते हैं, है ना। यहाँ पे जो हिमांक रहेगा, जो भी हिमांक पॉइंट रहता है वो कितने का रहता है, 0 डिग्री र्यूमर का रहता है और इसको 80 बराबर भागों में बांटते हैं और इसका जो क्वथनांक रहता है वो कितना रहता है, 80 डिग्री र्यूमर जो है रहता है। टोटल इसके बीच का भाग जो है 80 रहता है, मतलब 0 र्यूमर से स्टार्ट होकर के ये कितने तक जाता है, 80 र्यूमर तक जाता है और इसके बीच में जो है टोटल 80 भाग जो है होते हैं। ठीक है, बीच में कितने होते हैं, टोटल 80 भाग जो है होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 4 स्केल्स मैंने बता दिए, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर पैमाना। बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, एक क्वेश्चन जरूर इसमें से पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आपके पूछे गए थे क्वेश्चन, आगे हम करा देंगे। चलेगा, इसके बाद हम समझते हैं सेंटीग्रेड। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर, इन सभी में जो है क्या संबंध होता है, इन सभी पैमानों में क्या बेसिक संबंध होता है, इसको हम समझते हैं। तो देखिए, इसमें महत्वपूर्ण संबंध होता है, जो डिग्री सेल्सियस रहता है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं, 100 भागों में। ठीक है, और जो फ़ारेनहाइट होता है वो मिनिमम 32 रहता है और मैक्सिमम कितना रहता है, 180 रहता है। ठीक है, और जो र्यूमर रहता है वो 0 और 80 रहता है, इसको भी 80 भागों में बांटते हैं।
और जो केल्विन रहता है वो कितने का रहता है, 273 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम कितने तक जाता है, 373 तक। मतलब इसको जो है इसको भी अपन 100 भागों में बांटते हैं। तो ये आपका महत्वपूर्ण जो है रिलेशन हो गया, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इससे संबंधित बेसिक जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मैं इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देता हूं, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, फ्री नोट्स आप लोगों को जो है प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे जो सी है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस को डिनोट करता है, के जो है वो केल्विन को, एफ जो है वो फारेनहाइट को, और आर जो है र्यूमर को जो है रिप्रेजेंट करता है। अगर किन्हीं एक ताप का जो मान है आपको दिया जाएगा तो दूसरा आप फारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में, र्यूमर में या केल्विन में जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट जो है समझने वाली है कि जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड का जो ताप होता है वो सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने पर ताप का जो है मान एक समान होता है। मतलब -40 डिग्री एक ऐसा तापमान है जिसमें डिग्री सेल्सियस और जो फारेनहाइट है उसमें दोनों का जो वैल्यू है वो कैसे होता है, एक समान होता है, ठीक है। 40 डिग्री एक ऐसा ताप है जिसमें डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट का जो मान है वो क्या होता है, एक समान होता है। ये आपका न्यूमेरिकल, ये आपका महत्वपूर्ण एक सूत्र, महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन जो है बन सकता है, तो सब लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम समझते हैं कुछ और पॉइंट्स। देखिए जल का क्वथनांक, आप सभी जानते होंगे जल का क्वथनांक, अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का क्वथनांक। अगर हम इसको फारेनहाइट में चेंज करें तो फारेनहाइट में अगर हम इसको चेंज करते हैं तो फारेनहाइट में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है फारेनहाइट में 212 डिग्री, क्योंकि 212 अंतिम रहता है, क्वथनांक पॉइंट रहता है। अगर हम इसको र्यूमर में देखें तो 80 हो जाएगा, है ना भाई। अगर हम इसको केल्विन में देखें तो कितना हो जाएगा, 373 हो जाएगा, ठीक है। केल्विन में देखें तो कितना हो जाएगा, 373 हो जाएगा। सबको क्लियर है? तो ये होता है हमारा जल का जो क्वथनांक है वो पॉइंट होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 373 इस तरीके से। अब जो इसका हिमांक है, मतलब जो बेसिक पॉइंट्स है, स्टार्टिंग का पॉइंट्स है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये कितना होता है डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री, ठीक है। फारेनहाइट में कितना होता है, फारेनहाइट में कितना होता है, 32, और र्यूमर में कितना होता है, इसमें भी 0 होता है, और केल्विन में कितना होता है, 273 होता है। तो ये जल का, ठीक है, जल का क्वथनांक और हिमांक का, तो जो भी पैमाना स्टार्ट होता है वहीं से उसका क्वथनांक और हिमांक जो है रहता है, ठीक है। इसी में कुछ और पॉइंट आता है, मानव शरीर का जो ताप है ना, मानव शरीर का जो ताप है ये कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो इसका जो ताप है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या इसको हम अगर फारेनहाइट में बात करें तो 98.6 जो है फारेनहाइट किसी भी मानव शरीर का जो है सामान्य ताप जो है होता है। अगर हम केल्विन में बात करें तो कितना हो जाएगा, 310 केल्विन जो है हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, एमसीक्यू में जो है आपका पूछ सकता है, महत्वपूर्ण फॉर्मूले में जो है पूछ सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैंने बताया कि वह ताप जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का जो मान है वो समान होता है, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का जो मान है वो समान होता है, वो किस ताप पे होता है, -40 डिग्री पे होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कैसे में आता है, देखिए हम अगर आपको याद नहीं आता -40 होता है करके, तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये आप लोग रिलेशन आपको पता है कि सी अपॉन 100 बराबर एफ -32 अपॉन 180, ये हमारा फॉर्मूला आपको पता है ना। हमको क्या बताना है कि डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट का जो मान है वो समान होता है, मतलब सी बराबर क्या होना चाहिए, एफ जो है होना चाहिए, है ना। सी बराबर एफ यदि हमको दिया गया है तो उस कंडीशन में मान हमको निकालना है। अब सी की जगह मैं एफ लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा एफ अपॉन 100 बराबर, ये हो जाएगा एफ -32 अपॉन 180, है ना भाई। ये जीरो और ये जीरो कट गया, अगर हम इसको डिराइव करते हैं फॉर्मूले में तो यहाँ से हो जाएगा 18 एफ बराबर 10 एफ -320, है ना भाई। इसको अगर इधर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 एफ बराबर -320 हो जाएगा,
यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 शून्य 0, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो एफ का मान 40 हो गया तो सी का मान भी कितना हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा, है ना भाई। तो यहाँ से अगर आपको पता नहीं है कि 40 डिग्री होता है करके दोनों की वैल्यू, तो आप लोग यहाँ से डेरिवेशन करके आप लोग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो तीन यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें हो गई, जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का हिमांक कितना होता है, मानव शरीर का ताप जो है कितना होता है। साथ ही साथ अगर हमको पूछ दिया जाए कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों की वैल्यू समान होती है, तो माइनस 40 में जो है दोनों की वैल्यू बिल्कुल जो है समान होती है। तो इसको आप लोग जो है याद रखेंगे, सबको क्लियर है। चलिएगा आगे समझते हैं, इसके बाद कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन करता हूँ, इसको आप लोग बताएंगे कौन सा ताप जो है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको सभी बताएंगे, कौन सा ताप जो है संभव नहीं है, कौन सा ताप जो है संभव नहीं है, ठीक है, कौन सा ताप जो है संभव नहीं है। मैं ऑप्शन आप लोग को दे देता हूँ, ए बी सी और डी, चार ऑप्शन मैं दे देता हूँ। इसमें माइनस यहाँ पे लिखा है 8 केल्विन, माइनस यहाँ पे लिखा है 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है 8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा ताप जो है संभव नहीं है। देखो भाई आप लोग एक बार बताइएगा कौन सा ताप संभव नहीं है, सभी एक बार बताएंगे। हम जानते हैं कि जो परम शून्य ताप रहता है ना, परम शून्य से नीचे तो कोई हो नहीं सकती, क्योंकि वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, मतलब 0 केल्विन, इससे नीचे कोई हो नहीं सकती। अब शून्य से नीचे कोई भी आएगा तो वो माइनस में आएगा, -1, -2, -3, -4, ऐसे करते करते -8 केल्विन ऐसे करके आएगा, है ना। लेकिन जीरो से वो नीचे हो ही नहीं सकता, है ना भाई, जीरो से वो नीचे हो ही नहीं सकता। -8 डिग्री हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन जो -8 केल्विन है ये हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको इस तरीके से कभी प्रश्न पूछ दिया जाए कि कौन सा ताप संभव नहीं है, तो आपको बताना है कि जो 0 डिग्री है उससे कम जो है संभव नहीं हो, 0 केल्विन से जो है कम जो है संभव नहीं होता है, ठीक है, 0 केल्विन से कम जो है संभव नहीं होता है। कोई भी आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आएगा, लेकिन 0 केल्विन से कम जो है संभव नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, इसको सेल्सियस लिख लीजिएगा, इतना सेल्सियस 273 को अपन इतना भी लिख सकते हैं। चलिए आगे इसके बाद समझते हैं, इसके बाद हम समझते हैं जल के घनत्व के बारे में, ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं जल के घनत्व के बारे में, जल का घनत्व। देखिए ये सारे बेसिक पॉइंट्स है ना, इसके आपके, इससे जो है आपके न्यूमेरिकल्स जो है बन सकते हैं, इससे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बन सकते हैं। तो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जिनको अपन नहीं समझे रहते हैं, तो इनको आपको समझना है। डेंसिटी जो घनत्व रहता है जल का, ठीक है, ये हमेशा कितना होता है, 1 ग्राम पर cc होता है, ठीक है, और इसका जो ताप है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है, ठीक है, जो भी जल का घनत्व रहेगा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है सबसे ज़्यादा घनत्व होता है जल का। अगर तापमान की भाषा में अगर हमको पूछ दिया जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है। आप सभी जानते होंगे घनत्व यानी डेंसिटी जो है जो वॉल्यूम रहता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम जल के घनत्व को बढ़ाते जाते हैं, है ना, सॉरी, अगर हम जल के जो आयतन है इसको हम यदि बढ़ाते जाते हैं तो उसका घनत्व ऑलरेडी क्या होता जाता है, कम होते जाता है, क्योंकि जो घनत्व रहता है यानी डेंसिटी रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके, आयतन के, जल के आयतन के। तो अगर हम जल का आयतन जो है कम करते जाते हैं तो डेंसिटी ऑलरेडी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर हम आयतन को बढ़ाते जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि जल का जो न्यूनतम आयतन है, पहले तो ये जल का जो घनत्व है वो कितना होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है, और जो जल का आयतन है, जल का जो आयतन है, ठीक है, जो इसका आयतन होता है मैक्सिमम या मिनिमम, वो कैसे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे
लो होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि जल का जो घनत्व है वो चार किस पर जो है कौन से टेम्परेचर पर सबसे अधिक होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जो आयतन होता है कौन से टेम्परेचर पर सबसे कम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम होता है। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, देखिए इसमें आपका प्रश्न जो है कैसे आता है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। इसको पढ़ रहे हैं जरूर, लेकिन क्या प्रश्न आएगा, कैसे प्रश्न बनेगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें प्रश्न आता है, जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है गर्म किया जाता है, है ना, जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, तो इसका घनत्व में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका घनत्व पहला ऑप्शन में दे दिया जाएगा बढ़ता है, है ना, दूसरा ऑप्शन में दे दिया जाएगा घटता है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन में दे दिया जाएगा पहले बढ़ता है, है ना, पहले बढ़ता है, फिर क्या होता है घटता है, फिर क्या होता है घटता है, और चौथे ऑप्शन में दे दिया जाएगा पहले घटता है, फिर क्या होता है बढ़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, तो ये बेसिक चीजें अगर आप लोग समझे रहेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग बेसिक चीजें समझे रहेंगे तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए शून्य से लेकर के अगर हमको 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम किसी भी पानी को गर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्योंकि हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो उसका घनत्व होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है, है ना। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो इसका घनत्व होता है वो कैसे होता है, सर्वाधिक होता है। तो शून्य से लेकर के 4 तक आएगा तब जो जल का घनत्व रहेगा ये क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे ही 4 पहुंचा उसका घनत्व सर्वाधिक रहेगा। लेकिन 4 से अगर 5 डिग्री हम इसको कर देते हैं, 4 से अगर हम 5 डिग्री और इसको बढ़ा देते हैं, तो उस कंडीशन में फिर ये क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, क्योंकि 4 डिग्री पर सर्वाधिक रहता है ना, 4 डिग्री पर क्या होता है, सर्वाधिक रहता है। ठीक है, जैसे ही गर्म करते जाएंगे उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होते जाता है, वॉल्यूम क्या होता जाता है, बढ़ने लगता है, है ना। फिर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, ऑलरेडी कम होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले जो है क्या होता है, इसकी डेंसिटी बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, ये घटता है। तो आप लोग ये सी वाला ऑप्शन जो है यूज करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, वॉल्यूम जो है बढ़ता है, उसके बाद घटता है। यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू दे दिया जाएगा, 0 से लेकर के 10 या 0 से लेकर के 100, कुछ भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सर्वाधिक होता है घनत्व, उसके बाद फिर जो है ये कम हो जाता है, मतलब पहले बढ़ता है उसके बाद फिर जो है ये घटने लगता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है। अगर हम इसको आयतन की भाषा में बोलें, अगर यहाँ पे घनत्व की जगह आयतन दे दिया जाए, ठीक है, अगर यहाँ पे घनत्व की जगह घनत्व ना बोल करके आयतन बोल दिया जाए, तो उस कंडीशन में, आयतन वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो क्या होगा, घटेगा, उसके बाद जो है बढ़ेगा, क्योंकि 0 से लेकर 4 तक में इसका जो, 4 में इसका जो मान है वो सर्वाधिक क्या होता है, कम होता है, उसके बाद फिर से क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है, मतलब 0 से लेकर 4 तक ये कम होता जाएगा, उसके बाद फिर जो है ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, मतलब 4 डिग्री पे जो है कम होता है इसका घनत्व, इसका जो आयतन है वो कम होता है, और घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये दो चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, इससे आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिएगा, इसके बाद आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। आज का जो भी टॉपिक हम पढ़े हैं उष्मा और टेम्परेचर के बारे में, जो चीज़ें अपन बेसिक चीज़ें पढ़े हैं उस पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपन इस पर और कुछ जो चीज़ें आती हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी इसका जवाब देंगे, सभी इसको बनाने की प्रयास करेंगे, सभी का जो है आंसर आना चाहिए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग को दिया गया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन पैमाने में बदलना है, मतलब डिग्री सेल्सियस को आपको किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो एक बार आप लोग आंसर दीजिएगा, उसके बाद जो है अपन इसके आंसर पर चर्चा करेंगे क्या होगा इसका। बहुत ही सरल है ना, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अपने को चेंज करनी है ना भाई, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अपने को चेंज करनी है। 0 से लेकर के 100 भागों में अपन बांटते हैं इसको डिग्री सेल्सियस को, है ना, और केल्विन भी हमारा क्या होता है,
केल्विन भी हमारा 273 से लेकर के हमारा 373 तक होता है, मतलब इसमें भी जो भाग होता है वो 100 होता है, इसमें भी जो भाग होता है वो 100 होता है। मतलब अगर इसका मान हमको 25 डिग्री बोला गया है, इसको केल्विन में चेंज करना है बोला है, तो केल्विन का सबसे न्यूनतम होता है 273, अगर मैं इसमें 25 और जोड़ देता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा हमारा, तो 5 5 और 3 8 हो जाएगा और 7 2 9 और ये हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 298 केल्विन। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में किस तरीके से बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस का केल्विन में 298 केल्विन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा इसका। चलिएगा आगे समझते हैं। पानी का क्वथनांक खाली स्थान होता है, ठीक है, पानी का क्वथनांक कितना होता है आपको बतानी है ना। तो पानी का जो क्वथनांक है ना, अगर हम केल्विन में देखो, यहाँ पे सेल्सियस र्यूमर फेरेनहाइट केल्विन सारा दिया गया है ना भाई। अगर हम फेरेनहाइट में देखते हैं तो कितना होता है 212 होता है, 212। अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम र्यूमर में देखते हैं तो 0 से लेकर 80 तक में विभाजित रहता है ये, है ना भाई। और केल्विन में देखते हैं तो 273 उसका हिमांक रहता है, और जो उसका क्वथनांक रहता है वो कितना होता है 373 केल्विन रहता है। मतलब पहला हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है, पहला हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, परम शून्य तापमान किस रूप में लिया जाता है, परम शून्य तापमान किस रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो परम शून्य तापमान है वो शून्य केल्विन, अगर हम केल्विन में लेते हैं तो शून्य केल्विन को हम परम शून्य तापमान बोलते हैं, है ना भाई। शून्य केल्विन को हम परम शून्य तापमान बोलते हैं। अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में देखें तो ये कितना होता है -273 डिग्री सेल्सियस, या इसको हम -273.15 डिग्री सेल्सियस भी जो है कहते हैं। तो दोनों है सेम, ये इसका जो है एग्जैक्ट वैल्यू है, ये अप्रॉक्स वैल्यू इस तरीके से हम लेते हैं। तो -273 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, परम शून्य तापमान को जो है लिया जाता है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को। चलिए चौथा देखिए, -40 डिग्री फेरेनहाइट किसके बराबर है ना भाई। -40 डिग्री फेरेनहाइट जो है किसके बराबर है ये आपको बताना है। बहुत ही सरल सरल है, बेसिक चीजें हैं, अभी अपन बेसिक से स्टार्ट किए हैं इसलिए बेसिक बेसिक क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। इसके बाद जब हम अपन इससे संबंधित कुछ और टॉपिक पर चर्चा करेंगे तो हम उसके हिसाब से जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, क्या क्या चीजें आपकी पूछी जाती है, बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक जो है अपन जाएंगे। तो देखिए -40 डिग्री फेरेनहाइट किसके बराबर होता है, तो मैंने बताया था कि डिग्री फेरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में -40 जो डिग्री रहती है ना, ये दोनों में एक समान रहती है। मगर मतलब अगर हम -40 डिग्री फेरेनहाइट बोल रहे हैं तो ये किसके बराबर होगा, -40 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, क्योंकि यही वो टेम्परेचर है जिसमें दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर नजर डालते हैं एक बार। पहेली और बुझो ने अपने शरीर का तापमान मापा, ठीक है, दो लोग हैं, एक पहेली और एक बुझो, इसने अपने शरीर का तापमान मापा। पहेली ने पाया कि उसके जो शरीर का तापमान है वो 98.6 डिग्री फेरेनहाइट है और बुझो का जो तापमान है वो 37 डिग्री फेरेनहाइट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, पहला पहेली के शरीर का तापमान बुझो से अधिक है, दूसरा पहेली के शरीर का तापमान बुझो से कम है, तीसरा दोनों के शरीर का तापमान सामान्य है, और चौथा दोनों बुखार से पीड़ित हैं। तो ये आपको बतानी है। तो ऐसे एनालिसिस वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका आप जो है टीचर बनने वाले हैं तो टीचर में पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, है ना, पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से एनालिसिस वाले क्वेश्चंस भी कभी कभार देखने को मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपके माइंड में होने चाहिए। चलेंगे सभी बताएंगे, इसको कोशिश करेंगे बनाने की, बहुत ईजी है ना भाई। मैंने बताया था कि जो स्वस्थ मनुष्य रहता है ना, स्वस्थ मनुष्य जो रहता है उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है, सामान्य तापमान उनके शरीर का, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान रहता है वो कितना रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में बात करें तो
तो कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है सामान्य तापमान रहता है ना। तो दोनों ही कंडीशन में ये क्या है, सामान्य है। मतलब पहली और बुझो का जो तापमान है वो कैसा है, सामान्य है। तो इसलिए हम सी को जो है करेक्ट आंसर लेंगे कि दोनों का जो तापमान है, दोनों के शरीर का जो तापमान है वो कैसा है, सामान्य है, एक समान है, नॉर्मल टेम्परेचर है। क्लियर है सभी को, चलिएगा आगे समझते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो माप है वो बराबर होता है। अभी मैंने बताया है ना भाई, इस पर होता है माइनस चालीस डिग्री। वो ऐसा तापमान है जो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, केल्विन पैमाने में पानी का बर्फ बिंदु क्या है। ठीक है, केल्विन पैमाने में पानी का बर्फ बिंदु क्या है। पानी का बर्फ बिंदु मतलब हमको क्या बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हमको क्या बताना है, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी उसका जो हिमांक है वो हमारा कितना होता है, ये अपने को बतानी है। ठीक है, उसका जो हिमांक है वो हमारा कितना होता है, ये हमको बतानी है। तो सिंपल सी बात है ना, केल्विन में अपन स्टार्टिंग जो पॉइंट हमारा कितना रहता है, 273 रहता है, या इसको अपन एग्जैक्ट वैल्यू जब हम लेते हैं तो 273.15 जो है बोल देते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 273.15 केल्विन। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी मरीज का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट पैमाने में उसका तापमान क्या होगा। चलिए भाई इसको बताइएगा, बहुत ही सरल है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड को आपको फ़ारेनहाइट में जो है चेंज करनी है। आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सी अपॉन 100 इक्वल एफ माइनस 32 अपॉन 180, क्योंकि फ़ारेनहाइट में अपने को चेंज करनी है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे और बताएंगे कि इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है। यहाँ पे सी की वैल्यू हमको दी गई है 40, हमको निकालना है एफ की वैल्यू कितनी होगी। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं बिल्कुल। सी की जगह पे अपने को क्या रखना है, 40 रखना है। तो ये हो जाएगा 40/100 बराबर एफ माइनस 32 अपॉन 180। ठीक है, यहाँ से 10 कैंसिल, यहाँ से 10 और 10 कैंसिल। अब 18 को इधर 4 के साथ गुणा करेंगे तो 18 चौक कितना हो जाएगा, 72 बराबर एफ माइनस 32। तो यहाँ से f की वैल्यू की जाएगी 32 को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 72+32। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है दोस्तों सभी को, इस तरीके से हम जो है बनाते हैं और ऐसे क्वेश्चन बेसिक चीज़ें आपकी पूछी जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, यदि हम केल्विन स्केल में निकाय का तापमान मापते हैं जो 328 केल्विन जो है इसके आसपास होता है, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में समकक्ष तापमान क्या होगा। मतलब 328 केल्विन को हमको किस में चेंज करनी है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, यानी फ़ारेनहाइट में जो है आपको चेंज करनी है। बिल्कुल बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। चलिए इसको आप लोग होमवर्क समझ लीजिएगा, बहुत लोगों का आंसर भी आ जाता है तुरंत, है ना। तो होमवर्क समझ लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसका जो मान है, इसका जो आंसर है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये क्लास, ये सेशन हमारा अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग सभी जो है शेयर करेंगे, बहुत ही बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं। इसके बाद हम एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। आज हमने ऊष्मा और ताप की जो महत्वपूर्ण अवधारणा है उस पर जो है हम चर्चा किए हैं। साथ ही साथ हम जाने हैं कि जो ताप का जो स्केल है वो कौन कौन सा स्केल हम लेते हैं। साथ ही साथ हमने जाना कि हम किस तरीके से इसको जो है परिवर्तित करते हैं, है ना, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से रूमर में किस तरीके से चेंज हम करते हैं, क्या फॉर्मूला चेंज करने का यूज होता है, कौन कौन से बेसिक जो प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, बनते हैं एग्जाम में, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, उन सभी पर हमने चर्चा किया है। हम क्या करते हैं,
कठिन कठिन सवालों को लेते हैं और बेसिक को जो है छोड़ देते हैं, और वही बेसिक जो है आपका कठिन बन जाता है लास्ट में। तो आप लोग पूरा बेसिक भी समझेंगे, साथ ही साथ अपन हार्ड क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना, तब आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल मिलता रहे। 9 बजे आपके क्लासेस होती है, तो बिल्कुल 9 बजे सभी आप लोग जुड़ जाइएगा, 9 बजे आपका क्लासेस जो है कंटिन्यू चलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, सभी को क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।